नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और स्पेशल सीरीज में, जो रैपिड फायर का एक और सीरीज है, बुक्स एंड ऑथर आपके सिलेबस में है। आपको पता भी है कि ये आपका कितना इंपॉर्टेंट सेशन है। ध्यान रखेंगे हम पहले आपके जितने बुक्स एंड ऑथर हैं, आपके एंशियंट टाइम, मेडिवल टाइम, और उसके बाद से आपके कौन से प्राचीन, मध्य और उसके बाद से आधुनिक भारत। तो वीडियो ये जो जाएगा आपका, दो तीन वीडियो रैपिड फायर राउंड का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कम समय में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पता है कि पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण है, ये पूरा ध्यान रखेंगे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है। चलिए सत्सह सारिका सूत्र जो है, इसके लेखक कौन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो तीसरे का जो आपका आंसर आएंगे वो आपके नागार्जुन है। चौथे का अगर मैं बात करूं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद जो है वो किसके, बुद्ध चरित की बात करूं मैं तो बुद्ध चरित की रचना जो की है वो अश्वघोष ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महाविभाषा शास्त्र, जो महाविभाषा शास्त्र होता है उसको किसने लिखा है, तो वसुमित्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे, स्वप्नवासवद्धता किसने लिखा है, तो स्वप्नवासवद्धता लिखा है आपके भास ने। ध्यान रखेंगे यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। काम सूत्र के लेखक आपके वात्स्यायन है, कुमार संभवन और आपके अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है, मेघदूत रघुवंशम और आपके मालविकाग्निमित्रम जो लिखा है वो आपके कालिदास ने लिखा है, ठीक है। विक्रमो उर्वशीयम जो लिखा है आपके, वो भी आपके कालिदास ने लिखा है। तो कालिदास से इंपॉर्टेंट जितनी पुस्तकें हैं वो सब मैंने बता दिया। नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने। देवी चंद्र गुप्तम के बारे में बात करूं तो देवी चंद्र गुप्तम को लिखा है आपके विशाख दत्त ने। मृक्ष कटिकम की अगर मैं बात करूं तो मृक्ष कटिकम को लिखा है शूद्रक ने। सूर्य सिद्धांत लिखा है आपके आर्यभट्ट ने। ध्यान रखेंगे 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। 15 के बारे में मैं बात करूं, बृहत संहिता, अगर बृहत संहिता की बात करूं मैं तो ये वराहमिहिर, ये सब खगोल शास्त्र की पुस्तकें हैं, चाहे आपका आर्यभट्ट ने जो लिखा है और चाहे आपके वराहमिहिर ने। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, आपको पता ही है, 16 का ए हो जाएगा। कथा सरित सागर के लेखक जो है वो है आपके सोमदेव, यानी 17 का बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर मुद्रा राक्षस के रचयिता जो है वो बी है आपके विशाख दत्त। आगे की बात करते हैं, किरातार्जुनियम के लेखक जो है आपके वो भारवी है, बेसिकली अर्जुन और किरात रूप धारण किए हुए भगवान शिव के युद्ध की कहानी है ये किरातार्जुनियम। दस कुमार चरितम को लिखा है दंडी ने। हर्षचरित और कादंबरी को लिखा है आपके बाणभट्ट ने। वासवद्धता, अगर वासवद्धता की मैं बात करूं तो वासवद्धता को लिखा है सुबंधु ने। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका को लिखा है हर्षवर्धन ने। मालती माधव आपको पता है भवभूति है, भवभूति ने लिखा है मालती माधव को। पृथ्वीराज विजय को लिखा है जयानक ने। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी को लिखा है आपके राजशेखर ने। 26 का आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नवसहसांक चरित्र जो होता है आपका वो लिखा है आपके पद्मगुप्त ने, यानी आंसर 27 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बृहत कथा मंजरी, अगर बृहत कथा मंजरी की मैं बात करूं तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। ध्यान रखेंगे क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखा है। नैषधचरितम जो लिखा है 29 नंबर का क्वेश्चन, ये लिखा है आपके श्रीहर्ष ने। विक्रमांक देवचरित, अगर विक्रमांक देवचरित के बारे में मैं बात करूं तो विक्रमांक देवचरित को लिखा है विल्हड़ ने। चचनामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो चचनामा का लेखक अभी कोई ज्ञात वैसे है नहीं। चचनामा बेसिकली क्या होता है, सिंध पर जब मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया तो मोहम्मद कासिम के सेना का ही कोई आदमी था, बेसिकली अली कोफी था, जिसने चचनामा को लिखा है। चचनामा के राइटर मिले नहीं है, ये सिंध पर विजय की कहानी बताई गई है मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी में। चलिए तारिकुल हिंद की अगर मैं बात करूं, 32 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तारिकुल हिंद की बात करूं मैं तो इसको लिखा है आपके अल बरूनी ने। ताजुल मासिर,
ताजुल मासिर की मैं बात करूं तो ताजुल मासिर लिखा है हसन निजामी ने। तुगलकनामा, अगर तुगलकनामा की मैं बात करूं तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 34 का आंसर जो लिखा है, देखिए एक मिनट, 34 का आंसर यहां पे सी नहीं होगा। तुगलकनामा कहीं ना कहीं मिलता है अमीर खुसरो का लिखा हुआ, तो यहां पर आपका जवाब जो आ जाएगा वो ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो को ही है, नहीं तो अमीर खुसरो लिख लीजिएगा। तुजुके तैमूरी या मलफुजात तैमूरी जो है वो तैमूर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। तारीख मुबारक शाही, अगर 36 की मैं बात करूं तो तारीख मुबारक शाही जो है वो सिरहिंदी ने लिखा है। 37 नंबर के क्वेश्चन, रेहला जो लिखा है वो रेहला किसने लिखा है, तो आपको पता है किताबुल रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक ना। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में, तुजुके बाबरी या जिसे बाबर नामा कहते हैं, बाबर की आत्मकथा है, ठीक ना। हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, सही जवाब आपका। अकबर नामा और आईने अकबरी लिखा है आपके अबुल फजल ने, ठीक है। मुंतखब उल तवारीख, अगर 41 नंबर के क्वेश्चन में बात करें तो ये लिखा है अब्दुल कदार कादिर बदायूनी ने, मुंतखब उल तवारीख। चलिए, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके विनायक दामोदर सावरकर से। ये जितने आपके बुक्स यहां मिलेंगे, यहां से आपके लास्ट तक 50 तक, ये सारे बुक आपके 1857 की क्रांति पर रिलेट हैं। चलिए, द ग्रेट रिबेलियन की बात करूं मैं, 44 नंबर का क्वेश्चन, द ग्रेट रिबेलियन जो है वो अशोक मेहता ने लिखा है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अगर 45 की मैं बात करूं तो 45 लिखा है आपके आरसी मजुमदार ने, रमेश चंद्र मजुमदार। चलिए बात करते हैं आपके 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 1857 जो है आपका वो पुस्तक लिखी गई है आपके एस एन सेन के द्वारा। 47 रिबेलियन 1857 किसके द्वारा लिया गया है, लिखा गया है, तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपका पीसी जोशी, बिल्कुल सही जवाब यहां पे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी अगर 48 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये लिखा है आपके सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद मैं बात करूं कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखा है एस एन सेन ने। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर यहां का 49 का कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, एक सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी अगर 48 की मैं बात करूं तो 48 को लिखा है टी आर होम्स ने, सॉरी यहां इस चीज को गलत है, ये आप सही कर लीजिएगा, टी आर होम्स ने, और इसे लिखा है सर सैयद अहमद खान ने, सॉरी ये आपका 49 का ये सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, ठीक है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वो लिखा है आपके किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी पत्रिका भी ये प्रकाशित करते थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, यानी यह आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स रहे। इसी तरीके से और भी आपके बुक्स एंड ऑथर के कम 2 सीरीज मिलेंगे, उसमें आधुनिक बुक भी होगा और आपके मॉडर्न से लेकर के आपके जितने एंसियंट और जितने मेडिवल हैं उन सारी चीजों को मैं कवर करा दूंगा। तो इसी तरीके से और भी बने रहे परीक्षा प्लस के साथ, क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।